और हमेशा इस प्रकार से जो है आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे तो जीवन में कभी भी जो है आपकी पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट के कारण नहीं रुकेगी। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों आज का मेरा यह वीडियो सभी डिफेंस पेंशनर्स के लिए, फैमिली पेंशनर्स के लिए, डिफेंस सिविलियन पेंशनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं कि लाइफ सर्टिफिकेट देने के बावजूद रुक रही पेंशन, सावधान, आप भी ऐसी गलती मत कर बैठना। जी हां दोस्तों, चाहे आप स्पर्स माइग्रेटेड पेंशनर हैं, चाहे आपका पेंशन अभी तक स्पर्स में माइग्रेट नहीं हुआ है, आप बैंक या डीपीटीओ से ही पेंशन क्यों नहीं ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों अगर आज का आप यह वीडियो पूरा देख लेते हैं और इसे समझ लेते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि पूरी लाइफ में आपकी पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट के कारण नहीं रुक सकती। इसलिए दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले तो इस वीडियो को पूरा देखना, इसे समझना, और आप चाहते हैं अन्य डिफेंस पेंशनर, जो बुजुर्ग पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनकी मदद करना, तो इस वीडियो को जो है उन तक जरूर पहुंचाएं। अगर पहुंचा ना भी पाए हो तो कृपया करके इस वीडियो से कुछ सीख कर जो है उनकी मदद जरूर करें। तो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू होती है मेरी एक मैसेज से। दोस्तों मुझे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया, जय हिंद सर, सर मैं आपकी यूनिट की कंपनी के शिव सिंह मेजर के साथ में ऑफिस में हूं, मैं भी एक्स सर्विसमैन हूं, मेरी एक प्रॉब्लम और आपसे रिक्वेस्ट है। मैं एक हवलदार क्लर्क महावीर ग्रेनेडियर से रिटायर्ड हूं, मेरी सास की पेंशन दिसंबर से नहीं आई है, आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको डिटेल भेज रहा हूं, प्लीज टाइम लगे तो कारण बता देना किस वजह से पेंशन रुकी है। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर अपनी पूरी डिटेलें भी भेजी, और इसके अलावा दोस्तों आप देख रहे होंगे पेंशन दिसंबर से न आने के कारण इन्होंने जो है ग्रीवांस भी फाइल कर दी पीसीडीए इलाहाबाद के लिए, और ये जो है उन्होंने इसके स्टेटस की कॉपी भी मुझे भेजी। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद सबसे पहली कार्रवाई मैंने क्या की, और आपके साथ में भी कभी ऐसा हो जाता है तो आपने सबसे पहली कार्रवाई क्या करनी है वो भी आप देख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, मैंने सबसे पहले खोली स्पर्स की वेबसाइट, टू नो आइडेंटिफिकेशन स्टेटस में गया, मैंने जो है इसे क्लिक किया दोस्तों, और मैं पिछली वीडियो में भी इसके बारे में दोस्तों पूरा बता चुका हूं। अब देखिए, जो इन्होंने मुझे डिटेल भेजी थी तो मैंने उसमें से उठाया उनका बैंक अकाउंट नंबर, इसे एंटर करने के बाद मैंने इसे सर्च किया। जैसे ही दोस्तों मैंने इसे सर्च किया तो आप देख रहे होंगे दोस्तों इस प्रकार का आ रहा है, एंटर्ड बैंक अकाउंट नंबर इज आइदर इनकरेक्ट और नॉट माइग्रेटेड इनटू स्पर्स। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका भी जो है ऑप्शन में आर्मी नंबर या पर्सनल नंबर डालने के बाद या फिर जो है बैंक अकाउंट नंबर डालने के बाद, ईपीपीओ नंबर डालने के बाद जो है अगर इस प्रकार का अलर्ट मैसेज आ रहा है, एंटर्ड बैंक अकाउंट ऑब्लिक जो भी आप डाल रहे हैं नंबर इज आइदर इनकरेक्ट और नॉट माइग्रेटेड इनटू स्पर्स, तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है कि आपका जो पेंशन डेटा है अभी स्पर्स पोर्टल पर माइग्रेट नहीं हुआ है, आपको जो पेंशन प्राप्त हो रही है वो बैंक या डीपीडीओ से ही प्राप्त हो रही है। और दोस्तों आपको पता ही है, अगर इस प्रकार का मैसेज नहीं आता है तो आपकी पूरी प्रोफाइल खुल जाती है, उसमें जो है आपका आइडेंटिफिकेशन का स्टेटस और उसकी ड्यू डेट भी दिखा देता है। तो दोस्तों यहां पर जो है इस केस में मैंने देखा कि इनका जो है अभी तक स्पर्स में माइग्रेशन नहीं हुआ है। अब देखिए दोस्तों मेरी आगे की कार्रवाई, तो दोस्तों मैंने फोन करके महावीर सिंह जी को बताया कि उनकी सास की पेंशन डेटा जो है अभी स्पर्स में माइग्रेट नहीं हुआ है, अभी जो है उनकी पेंशन बैंक से ही प्राप्त हो रही है, तो क्या आपने जो है वहां पर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया था? तो महावीर सिंह जी ने बताया जी हां, इन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया था। जब मैंने इनसे पूछा कि क्या आपने बैंक में जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया है या फिर सीएससी में या साइबर कैफे में किया है, तो इन्होंने मुझे बताया कि बैंक की ही बगल में जो है एक साइबर कैफे है, कॉमन सर्विस सेंटर है, वहां पर जाकर जो है इन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराया था। और जब दिसंबर से इनकी पेंशन नहीं आई तो ये बैंक में भी गए थे, लेकिन बैंक में भी इनको सही तरीके से रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो दोस्तों क्योंकि ये हवलदार क्लर्क हैं तो आपको पता ही है कि जागरूक तो होंगे ही, इन्होंने जो है कंप्लेन भी फाइल कर दी, और उसके बाद जो है मैंने इनसे जो है जो लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया गया था तो उसकी कॉपी इनसे मांगी। इन्होंने मुझे लाइफ सर्टिफिकेट की कॉपी जो है, जो उसका स्टेटस है, तो ऑनलाइन डाउनलोड करके जो है मुझे भेज दी। अब आप देख रहे होंगे कि यह एक लाइफ सर्टिफिकेट का जो है स्टेटस की कॉपी उन्होंने मुझे भेजी है। तो दोस्तों जब मैंने इसे चेक किया कि यह लाइफ सर्टिफिकेट किसको भेजा गया है, तो आप देख रहे होंगे यहां पर जो है
इन्होंने भेजा है दोस्तों सीपीडीए पीसीडीए पेंशन अलाहाबाद, सीपीडीए पीसीडीए पेंशन अलाहाबाद। जी हाँ दोस्तों, जबकि इनकी पेंशन जो है बैंक से इनको प्राप्त हो रही है, लेकिन ये भेज दिया गया है लाइफ सर्टिफिकेट सीपीडीए पीसीडीए पेंशन अलाहाबाद को। तो आप खुद ही सोच सकते हैं दोस्तों कि इनकी पेंशन जो है बैंक क्यों डिसबर्स करेगा, क्योंकि बैंक में जो है लाइफ सर्टिफिकेट का जो टाइमिंग था वह था नवंबर तक आप सभी को जो है बैंक पेंशनर को अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना था, और जिनके बैंक में किसी भी कारणवश बैंक के लिए लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं हो पाए, चाहे गलती से चाहे जानकारी के अभाव में उनको नहीं हो पाए, तो बैंक ने जो है दिसंबर में उनकी पेंशन रोक दी। अब देखिए दोस्तों, यहां पर जो है हम किसकी गलती कह सकते हैं, हम यहां पर जो है ना पेंशनर की गलती कह सकते हैं, ये बुजुर्ग पेंशनर हैं, इनको नहीं पता कि क्या हो रहा है, ये गए और इन्होंने जो है कॉमन सर्विस सेंटर में अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे दिया। और आम जो चर्चाएं चलती रहती हैं कि जो डिफेंस पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन माइग्रेट हो चुकी है इस पर पेंशन पोर्टल पर, तो कई कॉमन सर्विस सेंटर ऐसे हैं कि जो भी डिफेंस के नाम से जाते हैं तो उनकी जो है लाइफ सर्टिफिकेट वो पीसीडीए पेंशन स्पर्श अलाहाबाद के लिए भेज देते हैं, बिना इस चीज को समझे कि अभी तक जो है केवल तकरीबन 21 लाख पेंशनर जो है स्पर्श पेंशन पोर्टल पर अभी माइग्रेट हुए हैं, अभी भी जो है कम से कम 12-13 लाख पेंशनर ऐसे हैं जिनकी पेंशन अभी बैंक या डीपीडीओ से ही आ रही है, उनका अभी तक माइग्रेशन नहीं हुआ है, तो उनको लाइफ सर्टिफिकेट अभी केवल बैंक के लिए देना है न कि स्पर्श के लिए देना है, उनका भी होना है माइग्रेशन लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। तो मेरा ऐसे कॉमन सर्विस सेंटर या फिर किसी साइबर कैफे में भी अगर लाइफ सर्टिफिकेट इस प्रकार का डिफेंस वाले देने आते हैं तो कृपया करके पहले जो है उनका माइग्रेशन स्टेटस चेक कर लें, यदि उनका माइग्रेशन स्पर्श में नहीं हुआ है तो बैंक के लिए उनका लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें, यदि उनका माइग्रेशन स्पर्श पोर्टल पर हो चुका है तो कृपया करके पीडीए को स्पर्श पीसीडीए अलाहाबाद करके ही चुनें। और इस चीज को आसानी से समझने के लिए दोस्तों आप ये देख रहे होंगे मैंने यह डेटा तैयार किया है आप लोगों की सुविधा के लिए, ये है दोस्तों बैंक पेंशनर और दूसरे हैं दोस्तों स्पर्श पेंशनर, ये मैंने इसलिए यहां पर डिस्प्ले किया है दोस्तों ताकि दोनों को, चाहे आप बैंक से पेंशन लेते हैं चाहे स्पर्श से पेंशन लेते हैं, आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। और अगर आप इस चीज को समझ लोगे दोस्तों और हमेशा इस प्रकार से जो है आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे तो जीवन में कभी भी जो है आपकी पेंशन लाइफ सर्टिफिकेट के कारण नहीं रुकेगी, जब आपने लाइफ सर्टिफिकेट देने जाना है दोस्तों। आपने क्या करना है दोस्तों, अगर आपका पेंशन डेटा स्पर्श में माइग्रेट नहीं हुआ है, बैंक से ही पेंशन ले रहे हैं, डीपीडीओ से ले रहे हैं, तो दोस्तों आप देख रहे हो जब लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते हैं तो वहां पे ऑप्शन आता है आपका नाम, तो नाम आपका टाइप कर दिया जाएगा, उसके बाद जो है टाइप ऑफ पेंशन। जी हाँ दोस्तों, वहां पर जो है अगर सर्विस पेंशनर है तो यहां पर आपने सर्विस को सिलेक्ट करना है, यदि फैमिली पेंशनर है तो यहां पर जो है आपका फैमिली सिलेक्ट किया जाएगा, यहां पर क्लिक करेंगे तो वो चीज आपकी आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, स्पर्श पेंशनर्स के लिए ये वाली कार्रवाई और टाइप ऑफ पेंशन वाली कार्रवाई सेम जो है बैंक पेंशनर के ही जैसे है। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों सैंक्शनिंग अथॉरिटी, तो दोस्तों डिफेंस की अगर आप पेंशन ले रहे हैं तो वहां पर आपने सेलेक्ट करना है सैंक्शनिंग अथॉरिटी में डिफेंस, जबकि जो है जो स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर हैं तो उनको डिफेंस सेलेक्ट नहीं करना है, वहां पे सैंक्शनिंग अथॉरिटी में करेंगे दोस्तों डिफेंस पीसीडीए पी अलाहाबाद। इन दोनों में दोस्तों इतना अंतर है स्पर्श पेंशनर और बैंक पेंशनर में, और बैंक जो स्पर्श पेंशनर है उनके जो है एक ऑर्गेनाइजेशन टाइप भी आता है आजकल, उसमें आपने सेंट्रल गवर्नमेंट कर देना है। अब आगे बढ़िए, देखो यहां पर चलना है डिसबर्सिंग एजेंसी, तो जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं तो उनका डिसबर्सिंग एजेंसी में आएगा दोस्तों बैंक, जबकि जो स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं तो उनका डिसबर्सिंग एजेंसी आएगा दोस्तों स्पर्श पीसीडीए पेंशन अलाहाबाद। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आप एजेंसी देखेंगे दोस्तों, एजेंसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक या फिर जिस भी बैंक में आपका पेंशन खाता है तो आपने उस बैंक को यहां पर जो है ऑप्शंस में से सेलेक्ट कर देना है। और जबकि दोस्तों जो स्पर्श माइग्रेटेड पेंशनर हैं उनकी दोस्तों एजेंसी में क्या आएगी, स्पर्श पीसीडीए पेंशन अलाहाबाद। अब आगे देखिए दोस्तों पीपीओ नंबर, जी हाँ यहां पर जो बैंक से पेंशन ले रहे हैं तो उनका तो पुराना पीपीओ नंबर ही यहां पर आएगा, लेकिन जो स्पर्श में माइग्रेट हो चुके हैं तो उनका जो पीपीओ नंबर आएगा दोस्तों वो आएगा या तो यहां पर ईपीपीओ नंबर या फिर स्पर्श का पीपीओ नंबर यहां पर उनको डालना है। उसके बाद देखिए दोस्तों अकाउंट नंबर, अकाउंट नंबर बैंक पेंशनर उसी बैंक अकाउंट नंबर को लिखेंगे जिसमें कि उनकी पेंशन आ रही है, और सेम कार्रवाई जो है आपने
अगर आप इस पर्स में माइग्रेट हो चुके हैं तो अकाउंट नंबर में आपने उसी नंबर को जो है आपने यहां पर लिखना है जिसमें कि आपकी पेंशन आती है। तो दोस्तों यह है सबसे बड़ा अंतर बैंक पेंशनर में और स्पर्स पेंशनर में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते समय। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चाहे वो बैंक वाले हैं, कॉमन सर्विस सेंटर वाले हैं, साइबर कैफे वाले हैं, चाहे आप खुद ही जो है अपने मोबाइल से जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हैं, तो कृपया करके इन चीजों का ख्याल जरूर रखें। अगर आपने इन चीजों का दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट देते समय ख्याल रखा तो कोई भी कारण ऐसा नहीं बनता कि लाइफ सर्टिफिकेट के कारण आपकी पेंशन रुक जाए। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो जानकारी भरी लगी होगी और पसंद भी आई होगी। और आपसे मैं यही उम्मीद करूंगा दोस्तों कि अन्य डिफेंस पेंशनर्स की, खासकर जो बुजुर्ग पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, उनकी अगर पेंशन रुक गई है तो कृपया करके उनकी मदद करें, उनको सही प्रकार से गाइड करें। अन्य डिफेंस पेंशनर्स को भी इस वीडियो को भेजें ताकि इस वीडियो से जानकारी प्राप्त करके इसका लाभ वे उठा पाएं और उनकी पेंशन अनवरत बिना किसी रुकावट के चलती रहे। यहीं पर अपनी वीडियो समाप्त करता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।